हेलो दोस्तों, आज हमारा फिर से न्यू वीडियो है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर का। दोस्तों देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन कीजिए। ठीक है, कहता है कान नाक, फर्स्ट का कान जीभ दांत। ठीक है, तो कहता है नाक कान जीभ दांत आपका है। तो ये देखिए दोस्तों, नाक कान जीभ दांत, इसमें देखिए दोस्तों कान भी नाक भी जीभ भी। ठीक है दोस्तों, नाक हमारा बाहर रहता है, कान बाहर, जीभ भी बाहर कर सकते हैं, लेकिन दांत को हम बाहर नहीं कर, ये हमारा अंदरूनी और ये सॉलिड चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखिए नाक कान जीभ, ये तीनों हमारा अलग है, सबसे सुनने का सूंघने का शक्ति और जीभ से हम लोग पता करते हैं, लेकिन दांत हमारे खाने का, इसलिए इसका उत्तर होगा दांत। ठीक है दोस्तों, एकदम कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसका सेकंड क्या है कि कमबोर्ड मेज कुर्सी बेंच। ठीक है, तो कमबोर्ड मेज, मेज पर हम बैठते हैं दोस्तों, कुर्सी पर भी बैठते हैं, बेंच पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन कमबोर्ड में हम कपड़ा सिर्फ रख सकते हैं, उस पर हम बैठ नहीं सकते, इसलिए कमबोर्ड सही आंसर है दोस्तों। थर्ड है तना पत्ती फूल जड़। ठीक है, तो आप ये देखिए दोस्तों, तना पत्ती फूल जड़, तो अब ये देखिए तना ऊपर रहता है, पत्ती भी ऊपर रहता है, फूल भी ऊपर रहता है, मगर जड़ हमारा जमीन के अंदर में रहता है, इसलिए हमारा जड़ आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ का कि गिटार वायलिन बांसुरी वीणा। ठीक है, तो गिटार वायलिन बांसुरी वीणा, देखिए दोस्तों गिटार या वायलिन या वीणा, ये तीनों बड़ा होता है और बांसुरी छोटा, किसका आंसर हो गया दोस्तों बांसुरी। ठीक है, सबसे सटीक बात है। फिफ्थ क्या है दोस्तों, कुरान गीता पंचशील या बाइबल। ठीक है, तो आप ये देखिए दोस्तों, कुरान गीता पंचशील बाइबल, ये तीनों दोस्तों, कुरान हो या गीता या बाइबल, ये तीनों एक धार्मिक किताब का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये पंचशील किसी तत्व का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पंचशील इसका आंसर होगा। सिक्स्थ है दोस्तों कि मुंबई चेन्नई कलकत्ता बंगलोर। ठीक है, तो मुंबई चेन्नई कलकत्ता बंगलोर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कलकत्ता मुंबई चेन्नई, इन तीनों में बस एक ही चीज का फर्क है दोस्तों कि मुंबई चेन्नई या कलकत्ता, ये तीनों समुद्र के तटीय निकटीय जगह पर है और बंगलोर नहीं। ठीक है दोस्तों, ये समुद्र के तटीय नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बंगलोर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए दोस्तों आपको बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कहता है, मेमना बकरी भेड़ फिर क्या है मेढा। ठीक है, तो मेमना बकरी भेड़ या मेढा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेमना भेड़, भेड़ के बच्चों को भेड़ी बोलते हैं, मेढा, लेकिन बकरी बड़ा चीज है यानी एक जानवर। ठीक है, मेमना बच्चा हो गया और दूध नहीं देता है, भेड़ है वो भी नहीं देता है, मेढा, लेकिन बकरी एक देता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बकरी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।